हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर सामने आई है इंस्टाग्राम पर, बॉयज लॉकर रूम के ग्रुप से जुड़ी हुई है ये खबर। दरअसल दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने दिल्ली के नामी स्कूल के छात्र को हिरासत में लिया है। उसके मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। ग्रुप में करीब 20 और लड़कों की भी पहचान हो गई है। दक्षिणी दिल्ली के 4-5 स्कूलों के ये छात्र हैं और बाकी छात्रों की भी पहचान जल्द होगी। फिलहाल ये पूरा मामला क्या है ये समझने के लिए जरा रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं। ये बातें इतनी आपत्तिजनक हैं कि हम इन्हें अपनी स्क्रीन पर स्पष्ट दिखा भी नहीं सकते। ये तस्वीरें इंस्टाग्राम के एक चैट ग्रुप बॉयज लॉकर रूम की है। इस ग्रुप में न सिर्फ लड़कियों की फोटो अपलोड की जाती है बल्कि उनसे छेड़छाड़ करके उन पर अभद्र टिप्पणियां भी की जाती हैं। कम उम्र की लड़कियों के बारे में अश्लील और अनैतिक हरकत की वजह से समाज में ग्रुप को लेकर बहुत चिंता है। माँ बाप, नेता और प्रशासन आशंका से भरे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि इस ग्रुप की सच्चाई लोगों के सामने कैसे आई। दरअसल पूरे मामले का खुलासा दक्षिणी दिल्ली की एक लड़की ने किया। लड़की ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, दक्षिण दिल्ली के 17-18 साल की उम्र के लड़कों का एक ग्रुप है जिसका नाम बॉयज लॉकर रूम है, जहां कम उम्र की लड़कियों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक बनाया जा रहा है। मेरे स्कूल के 2 लड़के इसका हिस्सा है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो दिल्ली महिला आयोग भी एक्शन में आ गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस मामले में इंस्टाग्राम के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया। दिल्ली महिला आयोग ने इंस्टाग्राम और दिल्ली पुलिस दोनों को नोटिस इशू किया है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लड़के तुरंत अरेस्ट होने चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। और आइए सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ इस समय वरुण जैन मौजूद है। वरुण, बताएंगे किस तरीके से पुलिस जो है वो इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हुई। वरुण, देखिए इसमें पुलिस ने एक नामी स्कूल के एक छात्र को पकड़ा है जो चैट थी और जो उसमें जो छात्र लोग इन्वॉल्व थे उनकी जो साइबर सेल है उन्होंने डिटेल्स निकाली और उसके बाद ग्रुप के 20 जो सदस्य हैं उनकी पहचान की थी। एक को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस का कहना है कि 4-5 और जो छात्र हैं उनकी भी पहचान कर ली गई है और उनको भी जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं पुलिस ने सुमोटो लिया था इस पूरे मामले में और उसके बाद आईटी एक्ट के तहत जो पूरा मामला था दर्ज किया था। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है उनकी तरफ से भी कंप्लेन दी गई थी दिल्ली पुलिस को कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो बॉयज लॉकर रूम नाम का ही जो ग्रुप था ट्विटर पे काफी ट्रेंड कर रहा था और काफी आपत्तिजनक चैट थे जिसमें जो कई छात्राओं की जो फोटो है वो डाले गए थे। तो मामला बेहद गंभीर था। उसके बाद पुलिस ने सू मोटो लिया और अब एक छात्र को इसमें हिरासत में लिया है, नाबालिग है, और अभी कुछ और छात्रों की भी पहचान कर ली गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक छात्र को हिरासत में ले लिया गया है और छात्रों की भी पहचान हो गई है इस मामले में।